दोस्तों, ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हो गया है। कराज, मशहद और दूसरे इलाकों में बड़े हमले देखे गए हैं। जिस वक्त आप सो रहे थे, उस वक्त भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12 बजे पहला हमला इजराइल ने किया और उसके बाद बैक टू बैक कई बार धमाकों की आवाज़ आई और सुबह 5:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक हमला कन्फर्म कर दिया गया। ये जो तस्वीर अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बड़ा हमला इसराइल का है जो सीधा का सीधा ईरान के ऊपर इसराइल ने किया है। नेतन्याहू ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने ईरान के ऊपर हमले का पहला वेव जारी कर दिया है, यानी ये पहला हमला है। इसके बाद ईरान के ऊपर इसराइल के कई और हमले होना बाकी। इसके अलावा ईरान के कई इलाकों में इसी तरह के हमले देखे गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको वो फुटेज भी जरूर दिखाऊंगा, देखिए। حسین آتیش سوزیه حسین عدس لایا इसके अलावा लगातार ईरान के डिफेंस सिस्टम इसराइल को रोकते हुए नजर आए हैं। इसराइल की जो मिसाइलें हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। उधर में दोस्तों, ये तस्वीर इसराइल ने खुद जारी की है, IDF ने खुद जारी की है और बताया है, कंफर्म किया है कि हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और सटीक हमला हमने किया है। ईरान लगातार जो हम पर हमला करवा रहा है और लगातार जो कर भी रहा है, उसका ये जवाबी हमला है और हम अब ईरान के जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे दोस्तों, IDF ने खुद कंफर्म किया है, इसके बाद हम ईरान पर अभी और भी हमला कर सकते हैं, हमारे हमले अभी पूरे नहीं हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के ऊपर हमला करने से पहले ये पूरा प्लान अमरीका को इसराइल ने नहीं बताया था। हमला करने से कुछ मिनट पहले, 4-5 मिनट पहले ही ईरान के ऊपर हमले की जानकारी इसराइल ने अमेरिका को दी थी। मिडिल ईस्ट में जितने भी इसराइल के साथी हैं और अरब गद्दार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए। इसराइल ने कहा है कि हमें मालूम है कि ईरान रिटेलिएट करेगा और पलट कर जवाबी कार्रवाई भी करेगा, लेकिन हम ईरान के हमले को रोकने के लिए और हमारे साथी हमारे मदद के लिए पहले से तैयार। हमला करने के बाद पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे दी गई है, ब्रीफ कर दिया गया है। उधर तेहरान में एक और बड़ी खबर, तेहरान में IRGC के बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें फिलहाल आ रही हैं। उधर में दोस्तों, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो इसराइल ने हमला किया था, ईरान ने जल्दी से जल्दी उसको रिकवर किया है और सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए। फुर्गाह इमाम 2:50 PM। कुल मिलाके खबर फिलहाल अब ये आ रही है कि बहुत लिमिटेड हमला इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है। जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितने बड़े हमले की बात इसराइल कर रहा था, उतना बड़ा हमला इसराइल ने ईरान पर नहीं किया है। मेरे दोस्तों, इस वक्त साइबर अटैक भी ईरान पर हो रहे हैं। जैसे ही इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान के ऊपर साइबर अटैक भी दूसरी तरफ किया गया।
इस वक्त आप ये लाइव तस्वीर देखिए, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इसराइल का प्रधानमंत्री और इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर बिल में छुपकर यानी बंकर में छुपकर ईरान पर हमले का आदेश दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए कहा है कि हमें मालूम है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और हमें ये भी पता है और कहना चाहते हैं कि ये इसराइल का सेल्फ डिफेंस है। मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर तस्वीर देखिए, ये ईरान के ऊपर इसराइल के फाइटर जेट F-35 उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी दुनिया का सबसे टॉप लेवल का एडवांस फाइटर जेट ईरान के ऊपर उड़ रहा है। ईरान की फिजाओं में इस वक्त इसराइल का फाइटर जेट दंडा रहा है, आवाज आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। उधर अमेरिका ने सफाई दी है कि इस हमले में हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, इस हमले में हम इसराइल के साथ हमला कहीं नहीं किए हैं, लेकिन हमें इस हमले की जानकारी पहले से थी। ईरान में मची है भगदड़, तस्वीर आपके सामने, आम जनता गैस स्टेशन की तरफ भाग रही है ताकि वो अपनी गाड़ी में गैस ईंधन भरवा सकें। साथ ही कहा जा रहा है कि वहाँ के जो लोकल दुकानें हैं, मॉल है, उसमें भी भीड़ देखी जा रही है। मेरे दोस्तों, इस हमले के बाद ईरान ने कहा है कि हमने ज़्यादातर इसराइल के हमलों को रोक दिया है और अमेरिका ने कहा है कि इस हमले के बाद ईरान अभी बिल्कुल शांत है, जैसे उसका कोई नुकसान ना हुआ हो। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले जो अपडेट दिए हैं जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद।